चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं काशी और मैं हूँ दक्ष और आज हम आए हैं पटना की एक बहुत फेमस जगह जिसका नाम है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको साइंस में ज़रा भी दिलचस्पी है क्योंकि बच्चों को होती है आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे एक बहुत ही अच्छा प्लानिटोरियम है और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर एक 3D शो चलता है। आपको दोनों के लिए अलग से टिकट की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा साइंस म्यूजियम है। चलिए ये पटना के गांधी मैदान के काफ़ी पास पड़ती है। आइए आपके एंट्री बनाते हैं। यहाँ की प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन। वाओ कितना इंटरेस्टिंग है ना ये क्लैपिंग ट्री जहाँ पे आप क्लैप करोगे तो इसकी लाइट्स जलेगी। चलिए ताली बजा दो। एनामॉर्फोसिस आप इसे कीड़ी का जादू मान सकते हैं। आप इसे दूर से देखेंगे तो ये बहुत ही अजीब सा प्रतिक्रिया का तस्वीर देता है लेकिन अगर आप इसके मिरर में देखेंगे तो ये असल में एक मेंढक की तस्वीर है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग 40 से 50 एक्टिविटीज़ तो होंगी जिससे आपका ध्यान और मन भटका रहेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो इसके साथ मैंने अपना हाथ यहाँ नीचे रखा है और ये आपके हाथ के आकार भी बना देगा। यहाँ पे बहुत सारी नेल्स हैं। चलो आइए अब हम आपको एक जादू दिखाते हैं। ये एक टेबल है जिसके अंदर से एक इंसान निकल रहा है। हाँ कितना मज़ेदार है नहीं। और ये है कुछ मजेदार पिक्चरें। ये है एक इल्यूशन जिसको दबाने से लड़की घूमती है और ये है मैजिक मिरर। इसके अंदर एक मिकी और एक मिकी माउस है। बहुत सारे QR कोड रखे हैं जिन्हें स्कैन कर सकते हैं। आप बेसिकली आपको बताएगा, बेसिकली आपको ये बताएगा कि सारे कितने सालों में डिकम्पोज होते हैं। जैसे कि ये कुछ यूज सिगरेट्स हैं, ये लगभग 20 सालों में डिकम्पोज होते हैं। ये एक दूध का पैकेट है जो 40 से 50 साल में डिकम्पोज होता है। ये कुछ प्लास्टिक स्ट्रॉ जिन्हें कुछ वक्त लगता है 200 सालों का, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ये एक प्लास्टिक का कप है जो 400 सालों में डिकम्पोज होता है और ये एक टूथब्रश जो कि 500 सालों में डिकम्पोज होता है। देखने वाला है।
अंदर झांकेंगे तो आपको इनमें से रंग बिरंगे कलर्स दिखने लगेंगे। ये है कुछ मजेदार पिक्चर है मोना लिसा की, देख के लोग हंसते हैं। ये कुछ 3D तस्वीरें हैं। और ये है भूल भुलैया, ये है दर्पण भूल भुलैया। अब हम दोनों इस मिरर मेज के अंदर जा रहे हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये भूल भुलैया के जैसा यहाँ पे हर तरफ शीशे ही शीशे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रास्ते भी हैं। इधर आओ जैन, यहाँ से रास्ता जैन, ये एक शीशा है, ये रास्ता कितना मजेदार है। नहीं आप कई बार इन शीशों में टकरा सकते हो। और हम निकल गए। ये एक टनल है जिसका बटन प्रेस करके ये लेफ्ट एंड राइट हो सकता है, जो कि काफी मजेदार है। ये एक्सपैंडिंग क्यूब, इसके बटन दबाने से ये अंदर और बाहर आती है, काफी मजेदार है। ग्राउंड फ्लोर तो काफी इंटरेस्टिंग था, आपके लिए फर्स्ट फ्लोर देखने चलते हैं। तो ये यहाँ का फर्स्ट इंस्पिरेशन था, और यहाँ पे कुछ गैलरीज भी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए, वहाँ आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर थोड़ा इजी था, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आइए कुछ देखते हैं। गूगल अर्थ की तस्वीर है ये, गूगल अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की छाया छवि। ये है बिहार की कुछ तस्वीरें। इसका कंट्रोलर काफी अच्छा है, क्योंकि ये गस की बाइक है। चलो
बच्चे आके स्केटिंग्स कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्केटिंग्स प्रोवाइड की जाती है। बर्थ ऑफ द ओशन यहाँ पे दिया गया है। कूल सरफेस ब्लू कलर का है और वॉर्म सरफेस रेड कलर का है और ये उसका थर्मल स्कैन है। सील की जगह पे अपनी फोटो भी खा सकते। ये बेसिकली एक वीडियो एडिटर है, आप एक जगह पे खड़े और प्रोजेक्टर आपकी फोटो दिखाएगा वीडियो एडिटर के साथ। और यूट्यूब इस बात को बताता है कि महासागर में प्रेशर कितना होता है। आप देख सकते हैं कि एक मछली है क्योंकि सरफेस पे तैर, क्योंकि ज़्यादा सरफेस पे वो घूमना नहीं है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इस व्हील को जहाँ जहाँ ऊपर नीचे करेंगे आपको उतनी गहराई पे तापमान बताएगा फारेनहाइट। ये स्क्रीन इस बात को बताता है कि ओशन के अंदर सन की लाइट जाती कैसे। आप इस बॉटल को घुमा सकते हैं, इसमें जेल्स दिखते हैं। ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सी वाटर, ये बताते हैं कि ओशन में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और ये कुछ तस्वीरें यहाँ पे 3D शो भी होते हैं, आप टिकट लेके यहाँ पे आ सकते हैं, पर हाँ इसके भी पैसे लो। अब मैं आ गई हूँ बड़े इंटरेस्टिंग से पैनल को दिखाने। कई बार आप सबने नोटिस किया होगा कि जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के सितारों के शेप्स दिखते हैं, जैसे कि और भी कई तरह के शेप्स हैं। वाटर कैरियर एक इंसान है सितारों में दिखता है जो पानी पी रहा है, एक चिड़िया भी जैसे, जिसका नाम है साइकस। और ये है एलिस द रैम, और अब आते हैं मार्स पे। ये है मार्स, ये है नेप्ट्यून, और ये है यूरेनस। ये फोटोग्राफ वॉयजर 2 से ली गई है। वॉयजर 2 एक बहुत ही भारी सैटेलाइट थी, इसलिए इसकी फोटो अभी क्लियर नहीं है, पर फिर भी उस समय के हिसाब से काफी अच्छी है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की है, ये कॉमेट है जिसका नाम है शूमेकर लेवी। ये आप देख सकते हैं हमारा प्लैनेट।
और ये नासा के एक स्पेसक्राफ्ट की फोटो है, ये एक एस्ट्रॉइड है एंड दिस इज द हेलिक्स नेबुला, ये हमारी ये एक ह्यूमन आई की जैसी दिखती है और ये है आकाश का लॉन्च बड़ा को लंबा और ये चंद्रयान के साइंटिफिक ऑब्जेक्ट है कि उसे लॉन्च क्यों किया गया, उसकी कुछ क्रिएट कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। चलिए अब हमें साइंस म्यूजियम के थर्ड फ्लोर पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी सेंटर, तो यहाँ पे काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट की मूर्तियाँ रखी हैं। सबसे पहला नाम है आर्यभट्टा का, बॉर्न इन 1476 AD, इनका संबंध काफ़ी ज़्यादा बिहार से रहा है। और दूसरा नाम है विक्रम साराभाई, ये जन्म थे 12 अगस्त 1919 और इनका देहांत हुआ December 31। और ये है कल्पना चावला जो कि एक इंडियन वुमेन थी जो नासा का सारा है, आप फोटो देख सकते हैं। तो ये कट ओवर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये एक्चुअली एक सोलर सिस्टम का एक शो होता है, यहाँ पे एक प्लैनेटोरियम है, ये सब जो कि भी बंद है, इसकी प्राइसेस एक्स्ट्रा चार्जेस लगती हैं जो कि आपको पे करनी होती है और फिर आपको एक शो पूरे आधे घंटे का शो मिलता है देखने। सितारों के गुजरने जैसी दूसरी घटनाओं के कारण इस बादल का आकार बिगड़ गया। बादल के गैस अणु ठंडे हुए और छोटे कणों में संघनित हो जाएंगे। इन घटनाओं की निशान आज ग्रहों की सतह पर यानी क्रेटर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमें दिखने वाले ये क्रेटर महाकाश में घूमते उन पिंडों के अरबों वर्ष पहले आपस में टकराने का परिणाम अभी अक्षम सीमा पर है। क्रेटर की ऊंचाई जिसका व्यास है 50 किलोमीटर, इसके केंद्र का शिखर खास पहचान है उन पत्थरों जिन टक्करों के कारण बने उससे काफी सारी धूल अंतरिक्ष में उड़ी, चंद्रमा का पूरा गोला ढक गया। इसके उत्तर पर 3000 किलोमीटर इस चक्करदार रचना को उत्पन्न करने वाले इस ताकतवर झोंके से ये सभी क्रेटर अरबों साल पहले महाकाश में घूमते पिंडों के टकराने का नतीजा है। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।